KG चिकन बोनलेस की बोटी और जो बोटियाँ हैं वो छोटी छोटी कर ली हैं, तो ये हाफ के जी चिकन बोनलेस है। और इसके अलावा ये फ्लोर है, 2 टेबल स्पून फ्लोर है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, और 2 टेबल स्पून ये राइस फ्लोर है, चावल का आटा जो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये चिकन मैरिनेशन में कुटी लाल मिर्च, और इसके अलावा ये सिराशा सॉस है, सिराशा सॉस है सूजी की, ये मैं यूज़ करूँगी इसमें मैरिनेशन में चिकन को मैरिनेट करते हुए। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसके अलावा टर्मेरिक पाउडर है, और ये 1 एग है, 1 ऑनियन है चॉप जो हम करेंगे, ये मैं साथ बनाते हुए ऑनियन जो है मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा सॉल्ट है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और ये 2 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी, ये हम सॉस बनाते हुए इसकी ये जो बाकी चीज़ें हैं वो उसमें यूज़ करूँगी। अभी मैरिनेशन में ये सिराचा सॉस और लेमन जूस मैं डालूँगी इसमें, और फिर हम इसका ये मैरिनेशन इसके ये चीज़ें डाल के इसको 30 मिनट के लिए हम चिकन को रख देते। ये मैं सारी चीज़ें अभी शामिल करती हूँ इसमें, अब इसमें अब शुरू कर ये अब इसमें मैं चीज़ें डालना शुरू करूँगी। इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें सारा चला गया, और कुटी लाल मिर्च, और ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, फ्लोर डाला था और कॉर्न फ्लोर डाला था। इसके हम ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें सब चीज़ों को, और 30 to 40 मिनट्स के लिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे अभी हम, और बाकी की चीज़ें फिर वो सॉस बनाते हुए बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको फिर बताऊंगी। तो इसमें सॉल्ट भी मैंने शामिल कर दिया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के रख दिया था, और सॉल्ट भी, और अब मैं लेमन जूस इसमें शामिल कर रही हूँ। लेमन जूस डाल रही होता है, तो इसमें मैं ये सारे
प्रॉब्लम नहीं करना है और इसको ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना है, इसको हमको देख के डालें जो है वो कर देगी, इमेजिनेशन से भी ज़्यादा है वो कर देगी। तो हल्के से वो गोल्डन ब्राउन होते हैं तो फिर इसकी मैं साइड चेंज करूँगी और अंदर से भी अच्छी तरह से बिल्कुल चिकन जो है वो डन हो जाती है। ये साइड से हो गई है, मैंने डन कर दी है, गोल्डन ब्राउन चिकन हो गई है तो इसको मैंने डन कर दिया। और बाकी की चिकन भी हम इसी तरह वो फ्राई कर देंगे। ऑयल गरम हो गया तो मैं अब इसमें चॉप ऑनियन डाल रही हूँ। ये हो गया, ये देखें रेड कलर भी मैंने इसमें शामिल किया, आई इंक्लूड रेड कलर ऑल्सो। और सराशा सॉस और टमाटो प्यूरी इसमें डाली, टमाटो प्यूरी इसमें ऐड की है, जस्ट टमाटो प्यूरी एंड कोरिएंडर लीफ, मिंट लीफ लिटिल बिट। और ये हाँ जो है प्रिपेयर हो गया है, चिकन 65 हो गया है। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये चिकन 65 तैयार हो गया है, इसे गार्निश कोरिएंडर लीफ से गार्निश करके सर्व करें। और ये मैंने इसके तैयार हो गया था, इसके मैं